ओके तो जनाब, हम लोग पहुंच गए हैं खपलू में और हम लोग अभी हैं कराकरम लॉजेस, और ये हमें कमरा मिला तो है। रेस्टोरेंट में आ गए। ठीक जी है, जी आ रहे हैं, रेस्टोरेंट में। ठीक है आ रहे हैं। यस इनपी, कैसे हैं आप? क्या था ये? कुछ भी नहीं बोला जा रहा है, ठंड अभी लग ठंड रही बहुत है, है। आप क्या कहेंगे? इट वाज टायरिंग बट वर्थ इट। बहुत अच्छा चिकर सफर विकर था। घूम के हम अभी आए हैं हाँ यहाँ पे, तो ये सीन है, थोड़ी थक गई है मिस अभी मैंने। थक चुके हैं क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। पहले हम कहाँ पे गए थे? तो पहले शिगर, मुझे नाम भूल जाता है। शिगर शिकर गए फोर्ट, हम, कोल्ड डेजर्ट, फोर्ट, ब्लाइंड कोल्डा लेक। वर्ल्ड, ब्लाइंड लेक, ये तमाम चीज़ें करने के बाद यहाँ पे अभी पहुँच रहे हैं। बिल्कुल खपलू में इस वक्त हम द करकरम लॉजिस के अंदर करक्रम हैं। लॉजिस खपलू। हाँ, खपलू में। तो अभी करने लगे इफ्तारी, फिर करते हैं गपशप। हाँ तो जनाब, मैं ये कह रही थी कि आज सारा दिन सलमान ने गाड़ी चलाई, बार बार मुझे कह रहा था तुम गाड़ी चलाओ, यू वॉन्ट टू ड्राइव, यू वॉन्ट टू ड्राइव। मैं कह रही हूँ इसे क्या हो गया, आज मेरा बड़ा एहसास हो रहा है, असल में थक टूट गया था इसलिए कह रहा था कि तुम चलाओ, लेकिन मैंने भी पक्की हूँ मैं अपनी बात की, मैंने कहा मैं तो कल ही चलाऊँगी, तुम चलाओ। कल तुम्हें कौन देगा? कल चलेंगे नहीं, चला के दिखाऊंगी मैं। हाँ मैं इन रास्तों पे मैं रिस्क नहीं ले सकता तुम्हें। हाँ, लड़की मैं रिस्क ले सकती हूँ इन रास्तों पे, ठीक है। ओके तो जनाब, सुबह बखैर फ्रॉम खपलू वैली, और मैं हूँ कराकरम लॉजेस पे, और रात हमारी काफ़ी अच्छी गुजर गई। अभी सुबह है और बहुत प्यारा, कल काफ़ी बारिश हो रही थी लेकिन अभी सनी डे है और बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से, और बहुत प्यारा व्यू है। ये देखिए जनाब, माउंटेंस, और ये होटल है और काफ़ी अच्छे कमरे हैं इनके, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप आ रहे हैं खपलू और खपलू में आपको स्टे चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। आज का हमारा जो प्लान है वो ये है कि हम लोग जाएंगे खपलू पैलेस देखने, उसके बाद हम जाएंगे चकचन मॉस्क, मतलब ये दोनों जगहें कवर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू सलिंग हातिम भाई के पास। सो ये प्लान है आज का, और देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, क्या करते हैं, करिएगा साथ। यस तो जनाब, वी आर हेयर एट खपलू पैलेस, और तो अभी ब्लॉसम भी थोड़ा थोड़ा आया, इतना ज़्यादा नहीं, और ये है कि बंद है और हम आए भी इसके मेन डोर से नहीं, और किसी दरवाजे से आए। सो लेट्स सी, हम पूरा म्यूज़ियम तो नहीं देखेंगे लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वहाँ हम लाजमी जाएंगे। इनकी मुझे यहाँ फोटो वहीं जा रहे हैं। तो जनाब, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं खपलू पैलेस में, जो कि मेरी वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट फेवरेट प्लेस है। मुझसे जब भी पूछा जाता है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है तो मैं कहती हूँ बल्तिस्तान। तो कहते हैं बल्तिस्तान में कौन सी अच्छी जगह लगती है, तो मैं कहती हूँ घांगचे डिवीज़न। फिर कहते हैं घांगचे में कौन सी जगह पसंद है, तो मैं कहती हूँ खपलू, और खपलू में खपलू पैलेस। ये बहुत ही प्यारी शानदार जगह है और आपको यहाँ आके ही रॉयल वाली फीलिंग आती है। सो जब भी आपका बल्तिस्तान विज़िट हो तो इस जगह को कभी भी मिस ना करें, लाजमी देखें। और अभी क्योंकि सीज़न स्टार्ट होने वाला है, अभी मतलब पूरी ओपनिंग नहीं हुई है लेकिन हम फिर भी यहाँ नाजिल हो चुके हैं क्योंकि ये जगह हमें बहुत अट्रैक्ट करती है। सो यस, I'm gonna go get some more.
हम लोग पहुंच चुके हैं चकचक मस्जिद, और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी, खूबसूरत और पुरेसरार है। यस, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मद। तो जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं सलिंग हिडन चुमिक फिश फार्म, और यहाँ पे बहुत ही प्यारा ब्लॉसम आया हुआ है। देखे, बहुत खूबसूरत से फूल खिले हैं। ये देखें जनाब, ये सारा हो बने। वाओ, जब ये सारे नीचे भर जाते हैं ना, फिर एक और से। जी, तो हम दो दीवाने पहाड़ों के आशिक इस वक्त पहाड़ों की एक खूबसूरत तरीन सी जगह पे मौजूद हैं, जिसका नाम सेलिंग है, जो कि खपलू के अंदर आता है। नहीं, सेलिंग गांव का नाम है, घांचे, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, घांचे डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। खपलू अलग से एक जगह का नाम है। और इस वक्त हम मौजूद हैं हातिम भाई के रिजॉर्ट पे, जिसका नाम है हिडन चुमिक रिजॉर्ट। हिडन चुमिक रिजॉर्ट और फिश फार्म। और मज़े की चीज़ ये सामने जो है ना, ये आपको फिश फार्म नज़र आ रहा है। आई डोंट नो कि आपको नीचे वो ट्राउट तैरती हुई दिख रही है कि नहीं, लेकिन ये भरा हुआ है माशाल्लाह। इधर देखें, नीचे हैं, वहाँ पे ये भरा हुआ है। यहाँ पे आप आके ख़ुद फिशिंग कर सकते हैं और ट्राउट का यहाँ पे खाना खा सकते हैं। यहाँ पे जो है ना, वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए वॉल भी है। अगर आपको रॉक क्लाइंबिंग का शौक़ है तो आप वो भी अपना तजर्बा आजमा सकते हैं। बैठे बैठे यहाँ पे ट्राउट जो है ना, वो टिप पे खाती हैं पानी में। ये सामने वहाँ पे टपे शपे खा रही हैं। तो ये भी बहुत एक यूनिक एक्सपीरियंस होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, जो कि हातिम भाई ने अपनी मदद आपके तहत बनाया। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें आपको मिलेंगी, और एक व्यू होता है जो कि ये अभी दिखाएं ज़रा उस तरफ करें। ये पहाड़ की चोटी पे ऊपर तक जाता है, जहाँ पे हमारी एमपी द प्रोफेसर मज़े ले रही हैं। हम भी ऊपर चल के ना आपको वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं। और ये देखें, ये कितना प्यारा हट बना हुआ है। इसके अंदर बैठ के आप इमेजिन करें इन सामने के व्यूज़ के साथ, इस फिश फार्म के साथ, और यहाँ पे आप बैठ के अपने अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ यहाँ पे बैठ के आप जो है ना खाना खाएं, वो भी मज़ेदार किस्म की ट्राउट। तो और क्या चाहिए यार। तो चलें आपको फिर ऊपर थोड़ा सा ले कर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं मज़ेदार किस्म के नज़ारे। और ये जी आपको जो पानी ये फार्म में पॉन्ड में दिख रहा है, ये कोई नलके वलके का पानी नहीं है, ये नेचुरल पानी है, चश्मे का पानी है। और यहाँ से नीचे से जो है ना, ये आपको दिख रहा है, नजर आ रहे हैं ये बुलबुले, ये देखें, ये हल्के हल्के जो बुलबुले ये नीचे से उभर रहे हैं, ये देखें, ये बेसिकली पानी यहाँ से आ रहा है, चश्मे का पानी। और दूसरा देखें, चश्मे के पानी में आपको फिर ट्राउट मछली खाने के मिले। है कि यहाँ पे जो ट्राउट है ना, तो उसको कोई आर्टिफिशियल फीड नहीं दी जाती, मतलब वो भी ऑर्गेनिक फूड खाती है और स्लोली स्लोली बड़ी होती है। जी, तो अभी हम ऊपर आसमान के बीचों बीच से नीचे ज़मीन पे आ चुके हैं। वैसे ये ज़मीन भी पहाड़ पे है, तो देखा जाए तो बहुत ऊपर है। खैर, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और
ये सामने जो आपको छोटी सी एक नदी की तरह दिख रही है, गर्मियों के अंदर ये सारी ग्रीन होता है और ये बहुत अच्छा चल रहा होता है। सामने का व्यू चेक करें, सामने हाथी भाई खड़े हैं, वो वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हर तरफ आपको व्यू 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 दिख रहा था। मैं उसकी बात कर रहा था, ये देखो पानी नीचे से भर रहा है ना, ये चश्मा है ना, अच्छा इधर से निकल रहा है, मुझे मैं दूर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मछलियाँ ऊपर हो रही हैं। ये चश्मा यहीं से निकलता है। अच्छा इसी तरफ होता है ये जी, सामने पीछे से इसको देखता हूँ नजर आ रहा था तो ऐसा फील हो रहा था जैसे मछलियाँ नहीं ऐसे ऊपर छलांगे लगा रही होती हैं, इस तरह कोई सीन कर रही होती है। तो बेसिकली ये चश्मा है और यहाँ से पानी निकल रहा है, ये देखें ये सामने वो आपको हर जगह पे जहाँ जहाँ भी नज़र आ रहा है ये चश्मा है और यहाँ से पानी निकल रहा है। अल्लाह पाक की कुदरत का कमाल आप देखें, और इर्द गिर्द के नज़ारे तो वैसे ही बहुत प्यारे हैं। जूस की जो स्ट्रॉज था ना, वो जूस की स्ट्रॉज को उन्होंने उसका वो किया एस्थेटिकली कितना अच्छा लग रहा है, शाबाश बहुत अच्छा, हमें जला के दिखाएं ना लाइट। वो बैटरी यहाँ बैटरी जी क्यों मुझे लसों लसों अच्छा, वो दूसरा ईशा की नमाज पढ़ के आएगा तो वो दूसरा बैटरी का बंदोबस्त करेगा फिर लाइट जलाएगा। इसको शौक है इस तरह की चीजों का, ये बड़े वाले को है। अच्छा अच्छा, इसको भी है लेकिन बड़े वाले बड़े इंजीनियर है, ये सारे वो खुद बनाए उसने जबरदस्त, और उसने एक दिन में ये सारे बनाया है, ज्यादा टाइम भी नहीं लाया, सिर्फ एक दिन। उसके ज़हन में चीजें आ रही होंगी ना कैसे ऐसे। हाँ अब वो देखो, मैंने इसको कहा ना यार ये क्यों लगाया, ये वो है ना जो रेपिन वो क्या था वो है सिल्वर फॉइल, हाँ। मैंने उसको ये क्यों लगाया, वो कहते हैं जी धूप इसके ऊपर ज्यादा तेज पड़ता है या, हाँ, इसको और इसको रिफ्लेक्शन ज्यादा मिलता है, हाँ। वो कह रहा है तो वो है, इसके इस तरह के आइडियाज उसमें बड़ा वो है। जैसे जी मिवर भी बंदा तो प्रॉपर जो है ना इंजीनियर है, वही ना। देखो कितना प्यारा हाउस बना है, माशाल्लाह भी दिख रहा है। स्पारे अबू लाइट आ गई, लाइट आ गई, देखो जी। चलो जी ये सलमान भाई को सलीम खुश आमदीद, बहुत बहुत शादी मुबारक हमारे तरफ से, वाह बहुत खूबसूरत। तो ये एक हमारे तरफ से छोटा सा तोहफा है, ठीक है जी, अल्लाह ताला सलामत रखे, जोड़ी सलामत रखे, इंशाल्लाह जिंदगी रहे तो कहीं ना कहीं मुलाकात होते रहेंगे, खुश आमदीद आप लोगों को सलीम है, ठीक है जी, वेलकम। मेरे पास ऐसी ब्लैक कैप है, खवातीन वो पहनती है ना तुम्हार के साथ तो जनाब हम लोग जो है वो हातिम भाई के घर में रहे थे, ये इनकी छोटी सी पिक्चर गैलरी है, आप देख सकते हैं इन्होंने अपनी माउंटेनियरिंग और ये लाइफ से रिलेटेड काफ़ी कुछ यहाँ पे शेयर किया हुआ है, कुछ अवार्ड्स हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तो अभी इन्होंने यहाँ नहीं मेंशन की हुई। तो जी ये बात है, सो यस तो जनाब हम लोगों ने हातिम भाई के घर पे नाइट स्टे की थी, ये छोटू सा ये छोटा हातिम है सकलान, ये हातिम भाई का बिट्टू है, अभी अभी पैदा हुआ है कुछ दिनों में, मतलब 5 महीने 6 महीने का है, हाँ तो छोटा ही है ना। कुछ 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 सो आज का हमारा प्लान है कि हम जो है यहाँ पे एक स्कूल है हातिम भाई का, वो विज़िट करेंगे, जख पे जाएंगे, थोड़ा बहुत पिक्चर्स बनाएंगे ब्लॉसम की और फिर हम वापसी निकलेंगे इस गर्दू के लिए। तो यस रही का साथ हाँ वो भी करीमाबाद की जो गली है ना उसमें ऊपर है वही जैसी लग रही है। नेचुरल गांव लाइफ
लहसुन के रंग हातिम भाई के संग सब लोग ठीक है ये जो मेरा बॉस का वो था ये जो उन्होंने वो किया था इसमें दो था एक का अंदर लगा हुआ और एक का ये लगा हुआ ये मेरे बॉस की फैमिली कजन की कोई मदर था उनके नाम पर बाकी ये है क्लास इसमें कौन सी क्लास है क्या हाल चाल है ठीक है आप लोग कैसे जा रहे पढ़ाई शढ़ाई बहुत जबरदस्त शाबाश प्यारे प्यारे बच्चों ये देखो मेहमान आए आप लोगों से मिलने इनसे पूछो कहाँ से आए आप लोग खुद पूछो कहाँ से आए क्या नाम है बैठे आप लोग बैठ जाए वन क्लास है क्या पढ़े थे आप लोग क्या पढ़े थे उर्दू में बात कर सकते हैं ये या नहीं समझते हैं बोलने में अच्छा मैथ्स में जवाब दे दो मैथ्स पढ़ रहे थे तो आप लोग बताओ ना यार क्या यार आपका क्या नाम है किहान बानो कितने प्यारे प्यारे नाम है इनके तो आपका क्या नाम है खदीरा वाह माशाल्लाह आपका क्या नाम है वाह क्या बात है आप क्या मानना चाहते हैं पढ़ के हां जा हंस के बात करो वालेकुम सलाम क्या हाल है वही तो बोलो यार क्या हाल है ये बात हुई ना लड़कियाँ जो है ना वो उर्दू बोल रही हैं लेकिन लड़के नहीं बोल बात करो ये आपके मेहमान आए हैं देखो क्या नाम है आपका अलमात आपका क्या नाम है बेटा आपको नहीं पसंद है अच्छा बड़े हो के पढ़ के क्या बनोगे पायलट पायलट वेरी गुड यार दूसरा पायलट हमें मिल रहा है पायलट बन के क्या कार उड़ाओगे कार तो आज अल्लाह की फजल से यहाँ तक पहुँचे ये हैं जी मिसा तालपुर मशहूर ब्लॉगर यूट्यूबर ट्रेवलर एक्टिविस्ट मतलब राइटर मतलब बहुत कुछ है खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के लिए इनकी काफ़ी खिदमत है एडवेंचर और ट्रैकिंग की दुनिया को हाईलाइट करने में कल्चर हाईलाइट करने में आप लोग सब जानते हैं
ये मैडम है इस्मा के कराकरम यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर लेक्चरर है इस वक्त गिलगित में। कौन सा इंग्लिश? ये उस जमाने के आर्ट्स होते थे। ये घर कम व बेश 200 साल या 300 साल पुरानी होगी। अच्छा, क्या कहा था लास्ट टाइम जब मैं आई थी? हाँ, मैंने कहा था ये घर खरीद लूंगी मैं। हाय, खरीद लो ना। और बड़ा सा देखो ना, अंदर से उन्होंने मड किया, बाहर से किया हुआ। ये विंड प्रोटेक्शन भी है, गर्म भी है। इस तरह उन्होंने रब ली जो बलीज यूज किया ना, देखें ये तिब्बतियन कंस्ट्रक्शन एंटी अर्थ क्विक क्रू है ना। तो जनाब, हम लोग अब मौजूद हैं सेलिंग में ज़ख पे। ये ज़ख होता है बेसिकली, और ये सेलिंग विलेज से खपलू विलेज में क्रॉस करने के लिए आप यूज़ करते हैं यहाँ के लोकल लोग। और ये सिर्फ़ उसी टाइम में पॉसिबल है जब पानी का बहाव कम हो। ये शोक दरिया आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और प्यारा है, जिसका रंग जो है ना वो बहुत ही प्यारा और ब्लू है। वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लाइक इट। मैं भी उस तरफ जाऊं? पक्का? यार बैठ तो मैं गई, मुझे नीचे बैठ सकती है? नहीं, खड़े हो। मैं बैठ जाते हैं एमपी। मैं सच में बता रही हूँ, वो ये मूव होता है फिर हमें उस टाइम इस तरफ नहीं हो पाएंगे। मुझे बैठ के डर लग रहा है। बैठ जाओ, मुझे बैठ के डर लगेगा। बैठ जाओ। नहीं, 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 मुझे डर लग रहा है। तुम ये रस्सी फिर कंध में आ जाती है, कंधे में आ जाती है, उस तरफ फिर हम हो नहीं पाएंगे। नीचे वाला। अच्छा, हाँ देखो मेरे काम, ये गिर तो नहीं जाएगा ना? हाँ। छोड़ दो, वहाँ से कर रहे हैं आतिम भाई। This is so MP. मैं चला के आ रही हूँ। मेरा थीसिस संभालो है। अच्छा, मुझे पता क्या लग रहा था कि रस्सी खींचनी है, इसलिए मैं बैठ नहीं रही थी। ओह गॉड, कैसा लग रहा है एमपी? लड़कियों, हमारा तो पूरा 3 लीटर पानी रोजा इधर ही खत्म हो गया। रानियों को, मलिकों को जो ना इसी तरह वो होते थे प्रोटोकॉल। ये रस्सी के ऊपर हाथ रखो, नीचे वाले के ऊपर हाथ रखो, फिर ऊपर वाले के ऊपर भी हाथ रख सकते हैं। साथ साथ मूव करना पड़ता है ना। ये चीज बहादुर औरतें, बहादुर औरतें जिनको दो बंदे छोड़ के चले गए। पानी नहीं, हमने ये सोचा था ना कि खुद ही आ जाएंगी। नहीं नहीं, हम दोनों ने ये सोचा था कि हम दोनों जख को सेंटर में रखेंगे, दोनों बैठ जाएंगे आराम से, कोई आधा घंटे के लिए सो जाएगा। तो ये इस नियत से हम आए थे, हमने कभी ये नहीं सोचा था कि आप लोग इतना जल्दी हमारा पीछा करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। मैं आपके लिए स्विम करती हूँ हमेशा। देखे इस तरह होता है वो। ओए, ये डबल कैसे हुआ है? ये बहुत मजे का टिप करके जाता है। ये देखो, ये कैसे फेंकते हैं? मुझे बताएं ये कैसे फेंकते हैं ना। ट्रिक देखा? मुझे भी देख।
तो जनाब हम लोग हैं जख्पे सेलिंग में और बहुत मज़ा कर एंजॉय करें। अब हम वापस जाएंगे थोड़ी देर में और एम पी खींच रही हैं वापस के। हाँ ऐसे वाह एम पी वाह क्या सही जा रहे हैं।